मेरे को किसी से फेम नहीं चाहिए भाई, सच्चाई रखी मैंने उस वीडियो में। फुल डरा हुआ था, बोल रहा हूँ फुल डरा हुआ था, हार नहीं मानी थी, फुल डरा हुआ था। उन्होंने मेरी हिंदुस्तान भाव से बात कराई भाई, उनको मैं दिल से सलूट करना चाहता हूँ। एक रियल कहते हैं ना, रियल इंडियन वो है। वो पंजाब में बैठा हूँ, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जो कल मैंने वीडियो डाली है रात को, क्यों डाली है, क्यों मैंने ऐसा बोला, क्यों मेरे माइंड में ऐसा आया, क्यों मैं इतना डरा। बस भाई ध्यान से सुनना आप सारे लोग। मनोज भाई का मैटर चल रहा था, कोई भी बड़ा एथलीट नहीं आ रहा था, कोई भी एथलीट नहीं रहा, बड़ा छोटा कोई भी इंडिया से कैसी भी किसी भी फील्ड का बंदा नहीं आया। मैं देखे जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मैंने वीडियो बनाई डाली, मनोज भाई ने देखा शेयर करा। मैंने आप सपोर्ट करना है क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मेरी एक बात ध्यान रख लें, टाइम जरूर लगता है मगर जीत सच्चाई की होती है, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, सच्चाई की हमेशा जीत होती है भाई। डाली भाई ने अच्छा लगा, आगे वीडियो बनाते गए हम, बनाते गए बनाते गए। एकदम न्यूज़ आती है कि मनोज भाई ने गलत एक गलत स्टेप उठा लिया है, वो एडमिट हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम नहीं रुकेंगे, मैं आगे कंटिन्यू नहीं रहा वीडियो पे। मुझे नहीं पता था अब आगे मेरे साथ होने वाला क्या है। कोई बात नहीं भाई, सुनो वीडियो डालता गया डालता गया डालता गया डालता गया भाई, मेरे को कॉल आनी स्टार्ट हो गई। कह रहे वीडियो को बंद कर डालना, तेरे साथ ये कर देंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आ रही थी मेरे को। नाम ले रहे थे जो भी करा रहा था, सबको पता है, नाम ले रहे थे, तेरा वो हो जाएगा, कहाँ पंगा ले रहा है, तेरी औकात दो कौड़ी की है, तेरे को घर से उठा के मारेंगे, तेरे में इतना पिस्टल भर देंगे, ये कर देंगे। उनकी लैंग्वेज ही इतनी गंदी भद्दी थी, दो कौड़ी लोगों की हद से ज़्यादा भद्दी थी। डराया गया मेरे को, जो मनोज भाई ने स्टेप लिया ना वो डर की वजह से लिया था, मेरे को भी डराया गया। क्यों? अकेला पड़ गया मैं। मैंने देखा मनोज भाई हॉस्पिटल में है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो शेयर भी नहीं कर सकते। मैंने सारे सारे बड़े एथलीटों को करा, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया मेरा, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा, पड़ गया मैं पूरा अकेला। मैंने भाई अब क्या करूँ मैं, कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कॉल आ रही है मेरे को, धमकियाँ आ रही हैं, बंदा क्या करेगा। घर से सपोर्ट नहीं ले सकता ऐसी कंडीशन में, कहीं से भी सपोर्ट नहीं ले सकता। क्यों? घर वालों को सपोर्ट लेंगे वो और डर जाएंगे, उनको टेंशन दूंगा मैं, खुद टेंशन में, और वो खुद टेंशन में आ जाएंगे ज़्यादा। बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया। फिर मैंने लास्ट में आके भाई, जब मेरे को कहीं से सपोर्ट नहीं मिला ना, मैं क्या, कोई भी बंदा होगा ना मेरी जगह, जो मेरे में कमेंट कर रहे हो ना, फट गई, जब तक तो चौड़े में बोल रहा था तू, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम खड़े हैं मनोज भाई, फटी नहीं मेरी, अब भी बोल रहा हूँ, खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा, पूरी धज्जिया उड़ाऊंगा, पूरी धज्जिया, अब भी सुन लेना सारे बंदे, पीछे नहीं हटा, ध्यान से सुनो, पीछे नहीं हटा। अकेला पड़ गया था, बस अकेला, बस इसलिए ये वीडियो डाली मैंने। क्यों? मुझे पूरा डर था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, और मेरी जगह कोई भी हो ना भाई, कोई यही स्टेप लेता, और कोई स्टेप ही नहीं है बंदे के पास। कहीं से आपको कोई हेल्प नहीं मिलनी, लास्ट में क्या है, मरना ही है भाई। कॉल आ रही है, कोई भी कहीं से भी, इतना बड़ा आदमी है कुछ भी हो सकता है, छोटा सा आदमी भाई, मैं ज्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा सा आदमी, मनोज भाई से भी छोटा हूँ। जब मनोज भाई इतना बड़ा स्टेप उठा सकते हो ना, तो सोचो इतने बड़ा एथलीट जब ये स्टेप ले सकता है, तो मैं तो भाई कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं घबरा गया, डिप्रेस में आ गया कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या करूँ क्या करूँ, घर से सपोर्ट नहीं ले सकता, इधर से उधर भाग रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, डर के हाथ से ज़्यादा मैं, मेरी जगह कोई भी होता ये स्टेप लेता भाई, कि अब तो मरना है ही मेरे को, कम से कम मैं मर रहा हूँ तो मैं सबको बता के तो मौत आए मेरे को, कल को मैं मर जाऊँ क्या होना है, कुछ भी नहीं, ख़त्म मैटर, मर गया बंदा। इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि मेरे को कॉल आ रही है, मेरे को किसी से फेम नहीं चाहिए भाई, सच्चाई रखी मैंने उस वीडियो में। फुल डरा हुआ था, बोल रहा हूँ फुल डरा हुआ था, हार नहीं मानी थी, फुल डरा हुआ था। क्यों? जब सपोर्ट नहीं मिलती ना बंदा डरता है,
और जब सपोर्ट मिल जाती है ना, उसको फुल सपोर्ट है, फुल पैसा है, वो क्यों डरेगा? डरना तो मुझे है। आगे सुनो भाइयों, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा भाई। मैंने वीडियो जैसी डाली, मनोज भाई ने मेरे को कॉल करी रात को, क्या हुआ भाई? मैंने उनसे बात करी, भाई मेरे को कॉल आ रही है, क्या करूं मैं? उन्होंने डरो मत, मैं आगे बात करता हूं। उन्होंने मेरी हिंदुस्तान भाव से बात कराई, भाई उनको मैं दिल से सलूट करना चाहता हूं। एक रियल, कहते हैं ना रियल इंडियन, वो है वो। उन्होंने मेरे से बात करी, क्यों डर रहा है बच्चा तू, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये होती है सपोर्ट। उसके बाद मैंने वीडियो डाली, मेरे को हर जगह से कॉल आई। नंबर मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरा इंस्टा हैंग हो रहा था, किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था मैं। मैंने स्टोरी डाल दी, मेरे को कॉल आए, डरा हुआ बंदा क्या करेगा, इसलिए नंबर डाला मैंने। कुछ नहीं चाहिए मेरे को, नंबर इसलिए डाला। अगर मेरे को या पैसे से प्यार होता किसी के, या फेम से प्यार होता ना, तो मैं मनोज भाई के साथ नहीं जुड़ता, कहीं और जुड़ता। ठीक है, समझदार लोग होंगे ना भाई, समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे को पैसे और फेम से प्यार होता ना, तो मैं मनोज भाई के साथ जुड़ता ही नहीं। मैं एक सच्चे बंदे के साथ खड़ा हुआ, और जब भी मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, इतनी बुरी कंडीशन में आई, जो मेरे पे बीती है ना, अगर आप पे आ गई भाई, आप तो क्या ही कर देते। चलो इस बात को हटाओ, अभी आगे सुनो भाई। उसके भाऊ ने बोला मैं तेरे साथ खड़ा हूं, डर मत। मैंने नंबर डाला, मेरे को पूरे पूरे भारत से कॉल आई भाई, बहुत लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के कॉल आई भाई। उनको दिल से थैंक यू है भाई, दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। फैमिली से सपोर्ट मिला, फिर फैमिली से कॉल आई, नहीं बेटा कोई गलत कदम नहीं उठाना, हम तेरे साथ है, तू सही के साथ खड़ा है। मेरे को थोड़ी हिम्मत मिली, मेरी फैमिली मेरे साथ है। कहते ना सबसे बड़ी पावर फैमिली की होती है, वो मेरे साथ आ गई, मेरा डर ही खत्म हो गया भाई। मैंने, अब मेरे को कुछ हो भी जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, मेरा हिंदुस्तान भाऊ मेरे साथ खड़ा है, मनोज भाई मेरे साथ खड़े हैं, मेरा पूरा इंडिया मेरे साथ खड़ा है भाई, मेरे को क्यों डरना? अकेला बंदा भाई डरता है। मेरे को हर जगह से कॉल आई, जहां से मैं बिलोंग करता हूं मेरे को वहां से बहुत सपोर्ट आया, और जहां मैं अब हूं वहां से मेरे को सपोर्ट आया भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा, समझने वाले समझ जाओगे भाई कि मेरे जी का कोई और होता इतना डर जाता वो। सपोर्ट को, सपोर्ट सबको चाहिए भाई, सपोर्ट के बिना दुनिया चलती नहीं। सही बंदों को सपोर्ट मिल जाए ना भाई, तो ये भारत कितना आगे निकल जाएगा। मेरी बात याद रखना भाई, भारत इसलिए पीछे है क्योंकि सही बंदों को ना बंदे दबा देते हैं पैसे और फेम से। मगर तुम्हारा है ना, ये भाई बोल रहा है, ना रुका है ना रुकूंगा, ना डरता किसी के बाप से ना डरूंगा। ध्यान रख लेना मेरी बात को, इसको किसी भी टट्टे से नहीं डरता मैं। घबरा गया था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था कहीं से, बस इसलिए। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, इसलिए। अब तुम्हारा भाई बोल रहा है इतनी वीडियो बनाऊंगा, रोक के दिखा दियो, जा मेरे साथ, मेरा इंडिया खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है मेरे साथ, जो उखाड़ सकता ना उखाड़ ले। लोकेशन बोल रहे थे ना, फिर जो मेरे को कॉल कर रहे हो तुम, कॉल पे धमकी दे रहे हो, मेरी लोकेशन पंजाब में बैठा हूं, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना, सुन लो कान खोल के। वीडियो नहीं रुकेगी, वीडियो डेली डलेगी, अभी तो बहुत मुद्दा खोलना है उसका। तो भाई मैंने अपनी सारी बातें रख दी अपने, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं भाई कैसे हो, कोई गलत कदम मत उठाओ। भाई तुम्हारा भाई बहुत सही है, खाना भी नहीं खाया था मैंने कल से, परेशान हो गया था हद से ज़्यादा। तुम्हारा भाई बहुत ठीक है, खाना खाया मैंने, सब कुछ सबसे मिला, बहुत अच्छा लगा, हिम्मत मिली। तुम्हारा भाई पीछे हटने वाला नहीं है भाई, अब बस हिंदुस्तान भाऊ मैं फिर से बोलूँगा आपको, दिल से सलूट है भाई। अगर आप जैसे बंदे ना 10 भी हो गए ना इंडिया में, तो ये 2 कौड़ी के लोग हैं ना भाई, जो पैसे और फेम के पीछे चलते हैं, ऐसे गायब हो जाएंगे भाई। सलूट है भाई, अगर फॉलो ही करना है ना, तो एक रियल बंदों को फॉलो करो भाई, जैसे हिंदुस्तान भाई, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं भाई, उनको फॉलो करो। क्या सीख रहे हो तुम उस बंदे से? वो 10 से 20 साल के, जो 10 से और 20 साल के बंदे होते हैं ना, खाली वो फॉलो करते हैं उसको, और वो भी पता है क्यों करते हैं, सबको पता है, मसाले के लिए, मसाला दिखता है वहां, समझ रहे हो ना, मसाला।
क्या सीख मिल रही है उस जनरेशन से, क्या मिल रहा है उस जनरेशन को वहां से, क्या वो उस किसी को ये सिखा रहा है कि तुम आगे बढ़ो, उसमें कहीं दिख रहा है? अरे तुम नीरज चोपड़ा को फॉलो करो, बजरंग पुनिया को करो, किसी भी एथलीट को करो, किसी भी स्पोर्ट्समैन को करो, उसको करो, कोई भी जो भी आपकी फील्ड है उसको फॉलो करो। अरे कम से कम एक अच्छे बंदे को तो फॉलो करके बैठो भाई। आज मेरे साथ ये हो रहा है, कल को आपके साथ होगा भाई, मैं ये नहीं चाहता भाई। मेरे पे तो मैंने झेल ली सारी बातें, बहुत टॉर्चर झेला है भाई। अब मेरे साथ मेरा इंडिया है, मेरे सारे भाई जुड़ गए हैं, पीछे हटने वाला नहीं हूँ भाई। ध्यान से सुन लेना, ना डरा हूँ ना डरूंगा, ना किसी का बाप मेरे को डरा सकता। अकेला पड़ गया था बस, अब किसी के पिछवाड़े में दम हुआ है या अगवाड़े में दम हो, रोक के दिखा देना, डेली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। ठीक है भाई।